गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका साइंस का चैप्टर 5 है, बोन्स एंड मसल्स, जिसमें हम आपको ऑर्गन सिस्टम बता चुके थे कि ऑर्गन क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम बता चुके हैं, और अब जो है इसमें बता रहे हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को भी दो पार्ट्स में बांटा गया था, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, जिसमें ए है स्कल। द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, इट हैज टू पार्ट्स। स्कल क्या है, ये हड्डियों का एक ढांचा है, किसका, तो सर का, और इसके भी दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक है द क्रेनियम और द ब्रेन बॉक्स एंड द फेस बोन्स। क्रेनियम क्या होता है, तो ये ब्रेन बॉक्स होता है, मतलब सर को जो हमारा ब्रेन है, जो मसल्स होते हैं उनको ढकने के लिए, और दूसरा है द फेस बोन्स। फेस बोन्स क्या होता है, जो हमारा आँख जो है वो भी कहाँ है, तो हमारी खोपड़ी में ही है, हड्डी का जो ढांचा होता है, मतलब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें आप लोग समझ जाइएगा क्या है। द क्रेनियम फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग बोनी बॉक्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्रेनियम क्या है, ये एक बहुत ही मजबूत बॉक्स है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स फ्यूज टुगेदर, और ये क्या है, ये किससे बना हुआ है, तो 8 फ्लैट बोन्स से बना हुआ, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देयर आर 14 फेस बोन्स, दिस बोन्स प्रोटेक्ट द सेंस ऑर्गन सच एज द आईज, द ईयर एंड द नोज। द ओनली मूवेबल बोन्स इन द स्कल इज द लोअर जॉ बोन्स, द टीथ आर अटैच टू इट, इट हेल्प अस टू ईट द इट एंड टॉक। सो देयर आर टोटल 22 बोन्स विच मेक अप द स्कल, और इसमें जो है 14 चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, फेस बोन्स जो है, ये हड्डियाँ जो है किसकी, तो सेंस ऑर्गन जैसे आँख कान और नोज की रक्षा करती है। और इसमें स्कल में जो है सब एक ओनली एक ही जो है जो मूवेबल है वो है लोअर जॉ, नीचे का जो नीचे का दांत होता है जिस हिस्से में, वो मूवेबल होता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, और दांत इसमें अटैच होता है, और जो खाने में और बोलने में मदद करता है, जिसकी मदद से हम लोग बोलते हैं और खाते हैं। और ये जो है बना हुआ स्कल जो बना हुआ है वो 22 बोन्स से बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका बी में वर्टेब्रल कॉलम्स। द वर्टेब्रल कॉलम्स फॉर्म्स द मैन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। वर्टेब्रल कॉलम्स क्या है, ये मैन एक्सिस होता है स्केलेटन का, स्केलेटन सिस्टम का ये मैन एक्सिस है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, और ये 33 स्मॉल छोटे छोटे बोन्स से बना हुआ, जिसको वर्टेब्रे बोलते हैं। वर्टेब्रे टुगेदर फॉर्म ए हॉलो कॉलम्स कॉल्ड अ वर्टेब्रल कॉलम्स, और ये वर्टेब्रे जो है ये एक दूसरे से जुड़ के बना होता है, और इसके बीच में क्या होता है, हॉलो होता है, खोखलापन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन्स और द स्पाइन, और इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन और स्पाइन कहते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी हम लोग कहते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू इट, और इसके जो बीच में हॉलो होता है उससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये आपको पीछे चैप्टर में हम बता चुके हैं। देयर इज ए कुशन लाइक पैडिंग कॉल्ड कार्टिलेज बिटवीन द वर्टेब्रे विच ऑब्जर्व ऑल काइंड ऑफ जर्क्स एंड प्रिवेंट रबिंग ऑफ बोन्स अगेंस्ट इच अदर। इसका मतलब हुआ कि जो आपका वर्टेब्रल कॉलम्स है, जिसमें 33 स्मॉल बोन्स हैं, इसके बीच में क्या है, हर एक हड्डियों के बीच में कुशन लाइक पैडिंग है लगा हुआ, जो अगर कभी भी आप जर्क महसूस करते हैं, झटका महसूस होता है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को हड्डियों को टक्कर लगने से या एक दूसरे में खिलाफ रगड़ने से रोकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर दो हड्डियाँ एक दूसरे से टकराएगी तो हड्डियाँ टूट सकती है, और वर्टेब्रल कॉलम्स जो हम लोगों के लिए कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आप स्पाइनल कॉर्ड से जान सकते हैं। कार्टिलेज इज ए टॉट एंड इलास्टिक सब्सटेंस दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द वर्टेब्रे एट द जॉइंट्स। कार्टिलेज क्या होता है, ये एक खिंचावदार और लचीला पदार्थ होता है, जिसको हम लोग खींचने के बाद वो क्या होगा, जैसे रबड़ फ्लैक्सीबल होता है, खींचाता है, और जो हमारे वर्टेब्रेट जॉइंट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है।
द वर्टेब्रल कॉलम्स इनेबल्स अस टू बेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड टू द साइड एंड टू मेक रोटरी और ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। वर्टेब्रल कॉलम्स जो हैं वो हम लोगों को आगे पीछे या चारों तरफ घूमने में मदद करता है या बनाने में सक्षम करता है हम लोगों को। जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आगे साइड भी झुक जाते हैं, पीछे साइड झुक जाते हैं और दाएं साइड भी और बाएं साइड भी, जिससे हमको वर्टेब्रल कॉलम्स है वो हमको सक्षम बनाता है। सी नंबर पे रिब केज। रिब केज में आप लोग पिक्चर देख सकते हैं कि रिब केज क्या है। द रिब केज इज ऑल्सो कॉल्ड द बोनी केज। रिब केज क्या है? रिब केज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोनी केज भी कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। और ये 12 जोड़ी हड्डियों से बना हुआ था जिसको रिब्स कहते हैं। द फर्स्ट 10 पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट एंड द वर्टेब्रल कॉलम्स एट द बैक। और 10 जोड़ी जो होते हैं हड्डी वो कहाँ? तो वो ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ब्रेस्ट बोन क्या हुआ? जो सीने की हड्डियाँ होती है और पीछे साइड वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। द लिस्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर अटैच टू द वर्टेब्रल कॉलम्स ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। और लास्ट की जो 2 जोड़ी होती है वो ओनली वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, मतलब रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती है और वो मतलब छाती सामने की हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई होती है। देयर आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। इसे क्या कहते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? तैरता हुआ, जैसे हम लोग फ्लोट करते हैं तैरता हुआ रिब्स। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। रिब केज कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? तो हार्ट को और लंग्स को। ये आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम है, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम्स और रिब केज पार्ट है। अब नेक्स्ट है आपका द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या है? अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। द अपर लिम्स आर डिवाइडेड इंटू द अपर आर्म्स द फोर आर्म्स एंड द हैंड। अपर लिम्स है उसको बांटा गया किसमें? अपर आर्म्स में, द फोर आर्म में एंड द हैंड में। द अपर आर्म हैज ए सिंगल लॉन्ग बोन्स कॉल्ड द हमर्स एंड द फोरमैन हैज टू बोन्स कॉल्ड द रेडियस एंड द उल्ना। अपर आर्म जो हुआ, जो हम लोग के हाथ का ऊपरी हिस्सा होता है जो कंधे से लेकर के जहाँ तक मुड़ता है वहाँ तक क्या है, उस हड्डी को हम लोग हमर्स बोलते हैं। और फोर लिम्स जो है, जो नीचे का जो है, जो 2 हड्डियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको रेडियस एंड द उल्ना कहते हैं। द हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स। और हाथों में जो होता है बहुत छोटे छोटे हड्डियाँ होते हैं। द अपर आर्म इज ज्वाइंट टू द बैक बोन्स बाय द शोल्डर। और अपर आर्म जो है वो किससे? बैक बोन से जुड़े हुए होते हैं, कंधे से, शोल्डर से, शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन्स विच टुगेदर फॉर्म द पेक्टोरल और शोल्डर गिर्डल। हमारा हाथ जो है जहाँ पे रिब केज से जुड़ा हुआ है बैक बोन से, तो वो क्या बनाता है? तो ये पेक्टोरल और शोल्डर गिर्डल, जिसको कंधे की कर्धनी कहते हैं हम लोग हिंदी में। नेक्स्ट है आपका लोअर लिम्स। द लोअर लिम्स आर डिवाइडेड इंटू द अपर लेग्स एंड द लोअर लेग्स। लोअर लिम्स को जो है डिवाइड किया गया किसमें? तो अपर लेग, ऊपरी पैर और निचली पैरों में। द अपर लेग्स हैज़ द थिंग्स बोन। ऊपरी लेग क्या होता है? जांघ की हड्डी होती है। द लॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट सिंगल बोन्स कॉल्ड द फीमर्स। और ये जो है सबसे लंबी और मोटी हड्डी होती है जिसको फीमर कहा जाता है। वाइल द लोअर लेग्स हैज टू बोन्स कॉल्ड द टीबिया एंड द फिब्यूला। और लोअर लेग में क्या होता है? 2 हड्डियाँ होती है जिसको क्या बोलते हैं? टीबिया बोलते हैं और फिब्यूला कहा जाता है। बोथ द टीबिया एंड द फिब्यूला फ्रॉम द एंकल ज्वाइंट। बोथ द टीबिया एंड द फिब्यूला फ्रॉम द एंकल ज्वाइंट्स। टीबिया और फाइबुला जो है ये दोनों हड्डियाँ क्या बनाती है? तो टखने के जोड़ को बनाती है। द अपर लेग्स फीड्स इनटू द पेल्विक गर्डल्स और हिप गर्डल्स विच इज अटैच टू द बैक बोन्स। ये पेल्विक गर्डल्स और हिप गर्डल्स जो है ये क्या है? अपर लेग्स बैक बोन से जुड़े हुए होते हैं।
द पेल्विक गटर्स प्रोटेक्ट डेलिकेट्स ऑर्गेन लाइक द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ये पेल्विक गटर्स ये डेलिकेट ऑर्गेन्स मतलब नाजुक ऑर्गेन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, इसको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे ज्वाइंट्स और मस्कुलर सिस्टम के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं।